मेरा नाम ताना है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं आसाम से हूँ। एंड मैं मेघालय से हूँ। मैं नागालैंड दिमापुर से हूँ। एंड वी आर इंडियन। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेस में मैं जैसे डिनर करने के लिए गया तो मैं हाथ धो रहा था वहाँ पे, तो एक किसी बंदे ने मुझे आके मुझे बोला, पूछा नहीं कि आप कहाँ से हो, उसने बोला कि कहाँ, चाइना, जापान। वो खुद ऐसे जजमेंट होने लगा। तो जब हमको कोई इग्नोर करते हैं कि आप चाइना से जापान से, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो एक बार मैं सबसे हॉस्टल के रोड क्रॉस कर रही थी, चीनी ऐसा बोल के जाते हैं ये लोग इंटेंशनली हम लोगों को चिढ़ाते हैं। ऐसा इन लोगों को पता है हम लोग एग्जैक्टली चाइनीज नहीं है, फिर भी वो लोग चिढ़ाते हैं हमको, चीनी, चिंकी, चाइनीज हो ऐसा। मतलब पहले बहुत गुस्सा आता था, अब भी इतना हो गया ये लोग ऐसा कहते, तो अपने आप को ऐसा मान के चलते नॉलेज नहीं है इन लोगों का पूरी इंडिया के बारे में, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तुम लोग के वहाँ पे तो लोग सांप खाते हैं, तुम लोग के वहाँ पे तो लोग तो कुत्ता खाते हैं। अरे कुत्ता खाता है, सांप खाता है, वहाँ पे हर एक ट्राइब का अलग अलग अपना फूड कल्चर होता है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब है, तो उन लोग का कोई खाता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जंगली है। बुरा तो बहुत लगता है जब आपको अपने ही देश में आदमी इग्नोर करता है, इससे बुरा हो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं। किताबों में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में कम जानकारी दिया हुआ है। स्टूडेंट से हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ही फ्यूचर है, तो अगर उनके बीच हम जागरूकता अवेयरनेस ला पाए तो शायद फ्यूचर में हम तो सब अपना मानेंगे। Thank you.